हालांकि अभी तक तो सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन फिर भी भारती के दिमाग में टेंशन बनी थी। हमने मानव के साथ तारू को बिठा तो दिया है सत्या, लेकिन अब प्रताप रॉय को क्या जवाब देंगे? उसने ये सवाल बगल में खड़े अपने पति सत्येन राजपूत से किया। अगर एक दो दिनों में परिधि लौट आती है तब तो ठीक है, नहीं तो बेटी के बाप की मजबूरी को तो सारी दुनिया समझती है। प्रताप रॉय को भी समझना होगा कि इज्जत बचाने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सत्येन ने 2 सेकंड में ही भारती के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और दूसरे इंतजामों को भी देखने के लिए वहां से चला गया। सत्येन के जवाब ने भारती को पूरी तरह से निश्चिंत कर दिया। वैसे भी जब उसका पति साथ था तो फिर डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस काम को वो दोनों इतना आसान समझ रहे थे वो किसी भी हालत में 2 दुनी 4 जितना इजी नहीं था, क्योंकि प्रताप रॉय बहुत मोटी चमड़े का आदमी था। इसीलिए अपनी बातों को मानने के लिए उसको तैयार करना आग में हाथ डालने जैसा था, और ये न्यूज अब उसको मिल चुकी थी। हाँ सर, खबर बिल्कुल पक्की है। प्रताप रॉय को तारुषी और मानव की शादी का समाचार देने वाला ये शख्स उसका खास आदमी सुजीत मेनन था। मेनन को प्रताप रॉय का साया कहा जाता था। उसके बारे में ये बात मशहूर थी कि भले ही वो प्रताप के साथ मौजूद होता था या नहीं, लेकिन अगर उसकी सांसें चल रही थी तो प्रताप रॉय को एक खरोच भी नहीं आ सकती थी। और इस वक्त प्रताप ने यह खबर भी मेनन के मुंह से सुनी थी, इसीलिए इस बात की सच्चाई पर उसको कोई डाउट नहीं था। लग रहा है वो सत्येन राजपूत अभी तक प्रताप रॉय को ठीक से समझ नहीं पाया। मेनन गुस्से के मारे प्रताप ने दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। एक जरूरी काम को पूरा करने के बाद वो घर के लिए लौट रहा था, लेकिन अपनी होने वाली बीवी के किसी और के हो जाने का पता चलते ही उसने अचानक इतनी जोर का ब्रेक लगाया कि सड़क डोलती हुई सी महसूस होने लगी, और मेनन प्रताप के इस गुस्से के नतीजे से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसीलिए उसको शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन सर, अगर बारात लौट जाती तो उन लोगों की बहुत बदनामी होती। मैंने ने ये बात धीरे से और हकलाते हुए कही। बदनामी? माय फुट, अगर वो मर भी जाता तो भी उसको अपनी बेटी की शादी मेरे साथ ही करनी चाहिए थी। प्रताप के गरजने की आवाज पूरे इलाके में गूंजने लगी। गाड़ी से बाहर निकलकर पैरों के एक ही ठोकर से उसने पूरी गाड़ी को हिला दिया, और उसकी यही आवाज वहां से कुछ दूर तक अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही परिधि की कानों तक भी पहुंच गई, जिसको 1 मिनट पहले तक ऐसा लग रहा था कि वो कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी, लेकिन अब रात के उस डरावने सन्नाटे में शायद ही आदमी उसकी मदद कर सकता था। परिधि ने बिना कुछ सोचे समझे प्रताप के मौजूद होने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए। चलना नामुमकिन होने लगा था उसके लिए, इसीलिए उसको खुद को घसीटते हुए ले जाना पड़ रहा था, क्योंकि नशे वाले जूस का असर अब उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ गया था। इसीलिए प्रताप की बातें कानों तक जाते हुए भी उसको सुनाई नहीं दे रही थी। किसी तरह खुद को खींचते हुए परिधि उस काली गाड़ी तक तो पहुंच गई, लेकिन वहां से एक कदम भी आगे जाने से पहले ही प्रताप के पैरों पर गिर गई। प्लीज प्लीज हेल्प मी, उसके मुंह से इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं निकल पाया। अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसके लिए प्रताप जरा भी तैयार नहीं था, इसीलिए परिधि के उसके पैरों को छूते ही झटके के साथ हड़बड़ाते हुए पीछे हट गया। कौन कौन हो तुम? लेकिन परिधि के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। प्रताप ने पहले चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई भी दूसरा इंसान नहीं दिख रहा था, और फिर तुरंत ही उसने अपनी आंखों को जमीन पर गिरी परिधि की ओर कर दिया। उधर उसका फोन अभी तक होल्ड पर ही था। मैंने ने प्रताप की उस अलग सी आवाज को सुन लिया था। हेलो हेलो प्रताप सर, आर यू देयर? लेकिन तभी प्रताप को परिधि में कुछ ऐसा नजर आया कि वो चौंक गया। शादी का ये जोड़ा तो मैंने राजपूत की बेटी के लिए खरीद कर दिया था, लेकिन ये इसके पास कैसे आया? कौन है ये लड़की? परिधि अभी भी उसी शादी के जोड़े में थी, इसीलिए उसको देखकर प्रताप के दिमाग में एक साथ कई सवाल घूमने लगे, क्योंकि अभी अभी मेनन ने
तारुषि की शादी किसी और के साथ होने की खबर उसको दे दी थी, यानी कि ये लड़की तारुषि तो हरगिज नहीं थी। फिर इसने प्रताप की होने वाली दुल्हन के कपड़े क्यों पहने थे? वैसे तो परिधि इस वक्त बेजान पड़ी थी, पर फिर भी प्रताप के पहले वाले गुस्से में अब इस नए तमाशे ने आग में घी डालने का काम कर दिया। वो परिधि को भी बख्शने के मूड में नहीं था। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। ए लड़की, उठो, कौन हो तुम और ये कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास? लेकिन वो तो होश में ही नहीं थी, पर प्रताप के उसको बार बार हिलाने डुलाने से उसकी शक्ल, जो कि अब तक जमीन को छू रही थी, सामने की ओर आ गई और परिधि को देखते ही प्रताप की जैसे बोलती बंद हो गई। उसका गुस्सा भी एकाएक शांत हो गया। पसीने की बूंदों से भीगा परिधि का चेहरा उस अंधेरे में भी सोने की तरह चमक रहा था। नई नवेली दुल्हन वाला मेकअप, चेहरे पर फैले काले लंबे बालों की लटें, भोलापन, मासूमियत और इन सब के साथ कुंदन जड़ा वो दुल्हन का लिबास। प्रताप को ऐसा महसूस हुआ जैसे इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। अब तुरंत ही प्रताप के सुर भी बदल गए। सुनो, कौन हो तुम, कहां से आई हो और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? लेकिन परिधि ना तो तब बोल रही थी और ना ही अब उसके मुंह से कोई आवाज निकली। प्रताप ने तुरंत अपनी उंगलियों को उसकी नाक के सामने ले जाकर रख दिया। सांसें तो चल रही हैं इसकी। इसके बाद उसने एक सेकंड की भी देर नहीं की, परिधि को पीछे की सीट पर लिटाकर गाड़ी को तुरंत किसी हॉस्पिटल की तरफ घुमा दिया। वैसे तो शहर में पिछले दो दिनों से डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी, इसीलिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी किसी डॉक्टर का मिलना मुश्किल था। लेकिन जैसे ही प्रताप की गाड़ी शहर के उस नामी गिरामी हॉस्पिटल के बाहर रुकी और वो बाहर निकल कर आया, वहाँ का पूरा स्टाफ उसे देखते ही खड़ा हो गया। वो डॉक्टर जो रात के वक्त भी स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, अपनी जिद को छोड़कर उसके पास दौड़े चले आए। सर, आप यहाँ? कोई खास बात थी क्या? हाँ, मेरी गाड़ी के अंदर एक पेशेंट है, जरा देखना उसको होश क्यों नहीं आ रहा है, काफी देर से बेहोश है। प्रताप के अपना मुंह खोलने की देर भर थी कि डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक मुस्तैदी से अपना काम करने में लग गए। पलक झपकते ही परिधि को आईसीयू में पहुंचा दिया गया और प्रताप इस तरह परेशान होकर बाहर टहलने लगा जैसे आईसीयू में उसका कोई बहुत अपना और करीबी मौजूद था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने परिधि की मासूम शक्ल घूम रही थी। पता नहीं क्यों, पर प्रताप चाहता था कि वो लड़की बस एक बार अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देख लेती। इस वक्त वो तारुषि को बिल्कुल भूल चुका था। उधर हॉस्पिटल का स्टाफ प्रताप के लंबे चौड़े कद, सांवले रंग, भूरी आंखें और चलने फिरने के उसके रौबदार अंदाज के आगे अभी तक सर झुकाकर खड़ा हुआ था। प्रताप की पर्सनालिटी में वो सब कुछ था जिसको देखकर अच्छे अच्छों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। उस पर से मुंबई शहर का अरबपति, यानी कि अगर इन लोगों की आवाज में हकलाहट आ गई थी तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। करीब दो घंटों के बाद आईसीयू की लाइट ऑफ हुई और दरवाजों को खोल दिया गया। बाहर निकलते ही डॉक्टर ने सबसे पहले प्रताप को परिधि की कंडीशन की जानकारी दी। डोंट वरी सर, नाउ शी इज ऑल राइट। एक्चुअली किसी ने उनको नशे की दवाई का हैवी डोज दे दिया था, इसीलिए वो काफी देर से बेहोश थी। अच्छा हुआ जो आप उनको टाइम पे ले आए, नहीं तो देर होने पर कुछ भी हो सकता था। इसको होश कब तक आ जाएगा? प्रताप ने तुरंत डॉक्टर से पूछा। अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, सुबह होने पर फाइनल चेकअप के बाद आप इनको घर लेकर जा सकते हैं। वैसे सर, ऐसे केसेस में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए, डॉक्टर ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रताप का जवाब ही अंतिम फैसला था। उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत डॉक्टर के अंदर नहीं थी और ना ही इस बारे में आगे अपनी कोई राय देने की, इसीलिए उसने चुपचाप सर झुकाकर अपनी हामी भरी और वहां से चला गया। लेकिन प्रताप अभी भी वहीं खड़ा था, क्योंकि अब ये मामला उसको और भी उलझा हुआ लग रहा था। ये सब क्या है, कौन है ये लड़की, इसको नशे की दवाई किसने दी होगी और ये उस ड्रेस में क्या कर रही थी? लेकिन इन सारे सवालों के जवाब के लिए मुझे सुबह तक का इंतजार करना ही होगा। ये सोचकर वो चुपचाप बाहर रखी कुर्सी पर सो गया। पर सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो ऐसा लगा जैसे आईसीयू में भूकंप आ गया था।
वो झटके के साथ आंखों को मलता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तभी एक नर्स भागते भागते उसके पास आ गए। सर सर, वो कल रात जिस लड़की को आप हॉस्पिटल लेकर आए थे उसको होश आ गया है और होश में आते ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है, प्लीज आप जल्दी चलिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। इसके बाद प्रताप नर्स के साथ जैसे ही आईसीयू में गया तो वहाँ पर वाकई में परिधि ने सबकी हालत खराब कर दी थी। कौन लेकर आया है यहाँ मुझे? आई विल किल हिम, सब कुछ बर्बाद हो गया है उसकी वजह से, बोलते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वहां खड़े सभी लोगों को उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नजर आया, लेकिन प्रताप ने न जाने क्या महसूस किया कि धीरे से आगे बढ़ते हुए परिधि के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। शायद प्रताप समझ चुका था कि उसकी ये बेचैनी गुस्से से नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े दुख के कारण थी, इसीलिए उसने चेहरे पर कोई भी भाव लाए बिना ही परिधि के सवाल का जवाब दिया। मैं लेकर आया था तुमको, सड़क पर बेहोश हो गई थी इसीलिए उस वक्त तुमको हॉस्पिटल लाना जरूरी था। परिधि इस वक्त अपनी ही बदकिस्मती की आग में जल रही थी, लेकिन जैसे ही प्रताप की उंगलियों ने उसके हाथों को अपने अंदर समेटा तो प्रताप के उस अपनेपन ने कुछ ही पलों में उसको शांत करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। परिधि की तकलीफ ने प्रताप रॉय जैसे पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दिया। उसको उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन लोगों ने परिधि के साथ इतना गलत किया था। देखो, अगर तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। सिचुएशन की सीरियसनेस देखकर धीरे धीरे वहां खड़े दूसरे सभी लोग बाहर निकल गए और अब आईसीयू में सिर्फ परिधि और प्रताप मौजूद थे। न जाने क्या रिश्ता था उन दोनों के बीच में कि परिधि भी अपने आप को रोक नहीं पाई। तुमने मेरी जान बचाई है, इस बात के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन कल रात तुम्हारी जान भी जा सकती थी, किसी ने तुमको नशे का हैवी डोज दे दिया था। प्रताप ने उसको यहाँ लाने के कारण की पैरवी की, पर परिधि ने उसकी बात खत्म होने का इंतजार नहीं किया। किसी ने नहीं बल्कि मेरे अपने ही घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया। ये सुनकर प्रताप को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद परिधि ने एक ही सांस में उसको भारती और तारुषी की साजिश के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसमें प्रताप रॉय के नाम का जिक्र भी शामिल था। और इसी के साथ प्रताप को भी उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। सच्चाई जानकर उसकी आंखों से जैसे लावा बरसने लगा, पर उसका ये गुस्सा परिधि के आगे की बातों को सुनकर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। मैं मर जाऊंगी पर उस खूनी शैतान और हैवान प्रताप रॉय के साथ शादी नहीं करूंगी। परिधि की बातें सुनकर प्रताप की शक्ल देखने लायक हो गई, इसीलिए अब अपनी इस नेक तारीफ को और ज्यादा सुनने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। ठीक है, तुम्हारा जो भी करने का मन हो करना, पर फिलहाल तो ये बताओ कि इस वक्त तुमको लेकर जाना कहाँ है? तुम क्यों लेकर जाओगे मुझे? मुंबई का चप्पा चप्पा मेरा देखा हुआ है, इसलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम बस मुझे नियरेस्ट टैक्सी स्टैंड पर ड्रॉप कर दो। परिधि ने प्रताप की बात का जवाब देने में सेकंड भर की भी देर नहीं लगाई। अब परिधि कहाँ जाने की सोच रही थी? क्या वो वापस अपने घर लौट जाएगी? क्या होगा जब उसको प्रताप की हकीकत का पता चलेगा? क्या अब सत्येन राजपूत को प्रताप के गुस्से का कहर झेलना पड़ेगा? तारुषी और भारती ने परिधि के साथ ऐसा क्यों किया? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये नई कहानी माई स्वीट गैंगस्टर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।